सारे मुझे देख देख के ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। ओहो क्या लड़की, तभी मैं सोचू इतनी हवा में क्यों उड़ रही है। तगड़ी बाइक चला रहा है हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है एक बार फिर एक फ्रेश मॉर्निंग से। गाइज आप भी ना सब अपने घर में स्वस्थ मस्त होंगे और भाई मौज ले रहे होंगे, तो भाई काफी अच्छा लगता है मुझे आपसे बात करके, तो काफी मजा भी आता है। तो भाई आप रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा देते हो मेरे व्लॉग्स पे, तो वो भी चीज देख के काफी ज्यादा अच्छा लगता है। सो गाइज जैसे कि आपको पता है कि आपका भाई जो है ना वो स्टंट मारना सीख रहा है, तो भाई डेली प्रैक्टिस करने जाता है। तो भाई आज डेढ़ सेकंड है, तो भाई आपका भाई आज फिर से जाएगा भाई प्रैक्टिस करने, तो भाई आपको भी दिखाऊंगा क्या रहता है प्रैक्टिस में। और भाई अपना कैमरामैन जो है ना वो बकबक रहने वाली है, तो भाई वो शूट करती है काफी अच्छी तरीके से। तो भाई और किसी को ना मुझे साथ में लेने का मन भी नहीं करता, तो काफी मजा आता है भाई बकबक के साथ। तो भाई बकबक जो है ना वो स्कूल से आ चुकी है, तो अभी मैं जा रहा हूँ बकबक के पास। तो सबसे पहले हमने स्टंट मारना सीखना, उसके बाद फिर हम कुछ खाने पीने भी जाएंगे, क्योंकि भाई वहाँ पे ना इतने ज्यादा थक जाते हैं। कल भी मैंने स्टंट्स मारे थे ना तो इतना ज्यादा थक गया था भाई, रात को होश भी नहीं थी कि भाई वीडियो एडिट कर पाऊँ, तो बहुत मुश्किल से मैंने वीडियो एडिट की थी। तो गाइस स्टंट वाली वीडियो पे तो ज्यादा भाई रिस्पॉन्स दिखाना। तो चलो अब चलते हैं यहाँ से, मिलता हूँ सीधा बाइक पे जाके। सो गाइस भाई अभी मैं जा रहा हूँ भाई बकबक को पिक करने, तो भाई बकबक मेरा वेट कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मैं आ चुकी हूँ। और भाई उनकी मम्मा जो है ना वो भी भाई रूम पे नहीं है, तो भाई उनको खुद ही सब कुछ बनाना पड़ रहा है और खाना पड़ रहा है, तो भाई काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है उनको। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, पहले हम स्टंट मार लेते हैं थोड़े, उसके बाद कुछ खिला पिला भी देंगे आपको और भाई पेंडे के लिए भी भेज देंगे। भाई अब मैं पहुंचने वाला हूँ बकबक के पास, तो भाई बकबक ना यहीं पे कहीं मेरा वेट कर रहे होंगे। तो भाई देख रहे हो भाई बकबक, आपको तो दिख नहीं रही होगी कैमरे में लेकिन मुझे दिख चुकी है, और भाई ये इस साइड मेरा वेट कर रहे हैं, तो चलो अब इनके पास चलते हैं। तो फाइनली भाई बकबक यहाँ पे देखिए, देख रहे देख रहे देख रहे देख रहे देखो 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 अच्छी तरह देख रहे भाई, अच्छी तरह देखो देख रहे। हेलो गाइस, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। ये बताओ मुझे खाना पीना कैसा चल रहा है? खाना पीना कोई खा ही नहीं रहा, तो चलेगा कैसा? क्यों देता हूँ पहुँचा के? आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना इसका? यार दिया तो था मैंने कल पहुँचा के। एक ही दिन खाना खाऊंगी पूरे साल। आज आया हूँ ना मैं कि आपको ले चलूंगा कहीं बाहर, कुछ बाहर खिलाएंगे आज आपको। अच्छा कहाँ बाहर? दूसरे नेशन में नहीं जाने वाले हो बाहर? चलो फिर होगी स्कूल से छुट्टी वुट्टी? हाँ इतनी देर कहाँ होगी आपको, मैं कब से वेट कर रही हूँ। यार यहाँ पे मोड़ बहुत होते हैं ना, तो आराम आराम से आना पड़ता है देखते दुखते। अच्छा सारे मुझे देख देख के ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। ओहो हो गया लड़की, तभी मैं सोचू इतनी हवा में क्यों उड़ रही है। चले फिर, चलो क्या करना है पहले? स्टंट मारने पहले चलो। पहले स्टंट मार ले उसके बाद खाना पीना। हाँ यार वहाँ पे ना ऐसे बहुत ज्यादा थकावट जाती है ना, फिर भूख भी ज्यादा लगेगी। मेरे को लगेगी, आपको थोड़ा लगेगी, आपको तो ऑलरेडी जितनी लगनी होगी लग चुकी होगी। हाँ लग चुकी है इसलिए बोल रही हूँ चलो जल्दी 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 चले। हाँ। तो चलो चलते। तो चलो गाइज फाइनली बकबक को पिक करने के बाद अब मैं निकल चुका हूँ। तो गाइज पहले ना हमें ना थोड़े से स्टंट की प्रैक्टिस करनी है, तो भाई वहाँ पे ना थोड़ी बहुत जब हम थक जाएंगे ना उसके बाद जाएंगे खाने, क्योंकि फिर ज्यादा भूख लगती है। तो चलो गाइज अब निकलता हूँ मैं यहाँ से सीधा आगे, अब आप देखो स्टंट और इंजॉय करो स्टंट्स को। सो फाइनली गाइज कुछ इस टाइप की लोकेशन पे हम पहुंचे हुए हैं। तो गाइज यहाँ पे ना काफी अच्छा व्यू है, तो काफी मजेदार रोड भी है भाई, यहाँ से भी बिल्कुल सीधी रोड है और यहाँ से भी, तो भाई यहाँ से ना दूर दूर तक गाड़ियाँ दिखती हैं, तो भाई यहाँ पे स्टंट मारना थोड़ा सेफ है, तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे स्टंट्स। और भाई बकबक को देखो भाई मैंने आईफोन पकड़ा दिया, तो भाई ये देख रहे हो भाई बकबक के हाथ पे आईफोन, और भाई ये मेरा कैमरा मैन है। बड़ी और सुनाओ। ठीक 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 अच्छा, और बस नहीं व्लॉग आ रहे हैं, अब मैं बीमार था ना बीच में। गाइस भाई ये यहाँ से भद्रवाह जा रहे थे और हम यहाँ पे ना स्टंट की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो भैया ना काफी दूर से भाई हमें मिलने वापस आए हैं, तो देख रहे हो भाई यहाँ पे अपना फोटो शूट चल रहा है। तो चलो भाई यहाँ पे ना भैया के साथ फोटो खिंचा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से फुल पावर। ओके थैंक यू ब्रो, कीप सपोर्टिंग।
सो फाइनली गाइज भाई स्टंट मारने के बाद हम वहाँ से निकल चुके हैं। तो गाइज काफ़ी प्रैक्टिस की, लेकिन आज ना विल्ली की मैंने प्रैक्टिस नहीं की, आज ज़्यादा प्रैक्टिस जो है ना वो स्टॉपी की। तो विल्ली की प्रैक्टिस क्यों नहीं की गाइज, क्योंकि भाई इसकी जो चेन है ना वो काफ़ी ज़्यादा ढीली हो चुकी है, तो भाई उसकी वजह से ना बाइक जो वो उठ नहीं पा रही है। तो भाई वो चीज़ के लिए ना मुझे पहले अपनी जो है चेन टाइट करवानी पड़ेगी, तो भाई उसके लिए मुझे डोडा जाना पड़ेगा। तो अब मैं और बग्गू जो है हम डोडा जा रहे हैं, तो भाई वहाँ पर जाकर ना भाई चेन भी टाइट करवा देंगे। तो गाइज इसका जो क्लच है ना वो काफ़ी ज़्यादा पीछे है, तो भाई प्रॉपरली जो है वो रिलीज़ भी नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइज ये दोनों प्रॉब्लम जब ठीक हो जाएंगे ना तभी जाके प्रॉपरली जो है वो विल्ली बजेगी। तो अब मैं जाऊंगा मैकेनिक के पास, इसके क्लच और इसकी जो चेन है ना वो दोनों ठीक करवा दूंगा, और फिर कल हम जो है वो विल्ली की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जो है हमने स्टॉपी की प्रैक्टिस की है ज़्यादा, तो काफ़ी मज़ा आया भाई, स्टॉपी तो काफ़ी तगड़ी बजी। तो भाई चलो कोई नहीं, आस्ता आस्ता ना विल्ली भी तगड़ी बजेगी, लेकिन थोड़ा सा डर लगता है विल्ली मारते वक्त, क्योंकि भाई विल्ली मारने के लिए ना यहाँ पे सीधी रोड चाहिए, और आपको पता है इन हिल स्टेशन पे ना जो रोड है ना वो स्लोप में रहती है, तो भाई काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे। और भाई ये ना भाई आ चुका है यहाँ पे अपने आगे, तो देख रहे भाई बुलेट वाले भैया भाई रेस लगाने जाते हैं, तो चलो इनकी रेस को जो है ना उसको मज़ा लेते हैं आपको। तो भाई देख रहे भाई बुलेट वाला भैया, देख रहे हो भाई, देख रहे हो, देखो जाने दो इनको आगे, गए जाने दो, जाने दो, वे जा ही नहीं रहे। भाई कभी कभी रेस लगाना भी ज़रूरी होता है ना, भाई पता चलना चाहिए लड़कों को कि भाई नहीं भाई JK06 राइडर आ चुका है, तो भाई बुलेट के जो है ना भाई लगगार्ड उलगार्ड सब कुछ नीचे लग चुके हैं। भाई काफ़ी पिकअप है भाई भाई की बुलेट में भी, भाई ब्रेक ना मार दे कहीं अचानक, बस और कोई डर नहीं है मुझे। तो भाई यहाँ पे ना रेत है काफ़ी ज़्यादा, और मेरा अगला टायर जो है ना वो गंजा है, तो भाई उसकी वजह से थोड़ा मुझे डर लग रहा है, अदरवाइज भाई बुलेट और RS का क्या मुकाबला। लेकिन भाई भाई भी नहीं मान रहा भाई, जहाँ जहाँ लेग गार्ड नीचे लग सकते हैं, जहाँ जहाँ फुटरेस्ट नीचे लग सकते हैं, भाई पूरा नीचे लगवा के चल रहा है, देख रहे हो। ओहो, कोई लेफ्ट कोई राइट, देख रहे हो भाई, चेक करो गाइस गाइस चेक, व्हाट अ रेस ब्रो, तगड़ी बाइक चला रहा है भाई। अगला टायर ने काफ़ी ज़्यादा स्लिप कर रहा है। तो गाइस भाई काफ़ी तगड़ी रेस लग चुकी थी भाई बुलेट वाले भाई के बीच में और मेरे बीच में, तो भाई दोनों बाइक जो है ना वो अलग अलग है, तो भाई इनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन भाई ने ना काफ़ी तगड़े तरीके से भाई राइड की, भाई भाई के ना फुट रेस्ट ब्रेक भाई सब नीचे लग रही थी, लेकिन भाई फिर भी लीन तगड़े मार रहा था, तो मज़ा आ गया भाई ये चीज़ देख के कि भाई इतने तगड़े तगड़े राइड करते हैं लड़के, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें देख। तो गाइस अभी हमें सबसे पहले जाना है भाई रेस्टोरेंट में, भाई अभी जाके ना चिल्ली मोमोज खाने हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है। तो देख रहे हो भाई टवेरा वाले के दिल में दुख दुख हो रहा है भाई, जैसे जैसे मेटाडोर निकल रही है ना टवेरा वाले के दिल में दुख दुख हो रहा है। तो भाई फंस चुकी है। आ, 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 ओ, 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 निकल गई। तो भाई देख रहे हो क्या क्लोज कॉल थी। तो फाइनली गाइस जब हम एंटर कर चुके हैं, ये क्या हो गया भाई यहाँ पे लिफ्ट, तो क्या पता लिफ्ट चलेगी या नहीं चलेगी भाई, अपने अपना सीट ले लेते हैं आराम से यार, पता हाई हील लगा के आए। तो भाई हमें जाना है 4 नंबर पे, भाई हमें जाना है 3 नंबर पे। सो फाइनली गाइस भाई अभी हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट में, तो भाई यहाँ पे हम आए हुए थे चिल्ली मोमोज खाने, तो भाई आज चिल्ली मोमोज यहाँ पे मिले नहीं है, क्योंकि तो भाई फ्राइडे था ना, तो सारा सामान जो है वो जल्दी खत्म हो चुका है। यहाँ पे बैठी हुई है बकबक, तो भाई ये वेट कर रही है अपने चाउमीन का, तो इसने ऑर्डर जो है ना वो चेंज करवा दिया। तो फाइनली चलो अपना यहाँ पे ना चाउमीन खाते हैं, उसके बाद निकलेंगे। तो फाइनली गाइस भाई थम्स अप जो है ना वो इसने आधी कर दी है, तो भाई ओके तो चलो भाई इसको ना यहाँ से खिलाते हैं पहले चाउमीन, फिर निकलेंगे यहाँ से। 5 minutes later फाइनली गाइस भाई बकबक के चाउमीन आ चुके हैं, तो अब देख रहे हो भाई रुका नहीं जा रहा इससे कि भाई ब्लॉग शूट कर पाऊँ, तो भाई टूट पड़ी है। बगो कैसे है, टेस्ट कैसा है? नहीं किया, कर लो कब करोगे? नहीं करना। तो भाई देख रहे हो भाई बड़ी मुश्किल से इसने भाई 2 मिनट वेट किया था मेरे कैमरे ऑन होने का, भाई जैसे ही कैमरा ऑन हुआ है ना
अब स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई इतनी बड़ी प्लेट है, देख रहे हो भाई, ये सारा इसने ना ठूसना अपने पेट में। मैंने खाना था मगर क्या करूं यार, बीमार हूं। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। देख रहे हो गाइस, देख रहे हो भाई मुझे चिढ़ा चिढ़ा के खा रही है। तो चलो गाइस इसको एंजॉय करने दो चाउमीन, और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। देख रहे हो भाई लॉरेल वालों के सैलून में जा रही है अब लड़की। तो भाई बोल रही है भाई मुझे ना अपने बालों को स्पा कराना है और पता नहीं क्या क्या करवाना। तो गाइस आज ना मोटा खर्चा होने वाला। तो भाई ये यार ये देखो ना, इधर लॉरेल प्रोफेशनल और भाई सैलून एंड स्पा। देख तो रहा हूँ तो ये वाला सीन मैं कट कर दूंगा ना। तो आज मोटा खर्चा होने वाला भाई, जेब में इतने पैसे भी नहीं है। तो भाई यहाँ पे अपनी बाइक का जो है चेन का काम हो रहा है। तो भैया ना अभी चेन जो है वो सेट कर देंगे पहले। तो भाई चेन जो है ना काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो चुकी है, तो चलो पहले चेन का काम करवाते हैं। तो भाई जब क्लच का काम हो जाएगा ना फिर थोड़ी सी ट्राई मार लेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे। और देख रहे भैया थोड़ा पकड़ लिया भैया ने, अब तोड़ देंगे मेरी बाइक। सो फाइनली गाइस भाई अपना काम हो चुका है, अब भाई अपना क्लच भी मस्त हो चुका है और भाई अपनी बाइक जो है ना वो भी मस्त हो चुकी है। तो अब काफ़ी मज़ा आ रहा है चलाने में। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो फाइनली गाइस भाई अब मैंने बकबक को यहाँ पे ना उतार फेंका है। खोपड़ा जो है ना वो खराब नहीं हुआ। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, थोपड़ा। तो गाइस इसका थोपड़ा खराब नहीं हुआ। तो चलो गाइस अब यहाँ से निकलते हैं। इसको ड्रॉप करने के बाद इसको ठंड लग रही है क्योंकि भाई स्वेटर भी नहीं डाल के आई। मैंने इसको बोला था भाई जैकेट लगा के आना। मैं क्यों डालूं? तो चलो आप रूम पे जाओ, तो मैं बकबक के लिए नहीं भाई पैंडे के लिए भाई कुलचे लेके आता हूँ और आपको वहाँ पे हैंडओवर कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं व्लॉग ना ही शूट करूँ तो बेटर है। तो अब मैं बकबक को यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट तगड़े से व्लॉग पे। तब तक के लिए गुड बाय। नहीं करना है अभी। ओहो लाइक कमेंट कौन करेगा? ओहो तो गाइस आज ना मैं व्लॉग एंड करना भी भूल गया भाई, इतनी क्यूट लग रही है लड़की। तो खाया इसने भाई चढ़ मुझे गया। तो चलो गाइस व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है तो व्लॉग को करो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। तो मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट तगड़े से व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय 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 बाय।